एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी और मैं हूं शिवी। गाइस, आज का वीडियो मेरा स्पेशली गर्ल्स के लिए होने वाला है, मेरी प्यारी प्यारी उन गर्ल सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मुझसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज मैं आपको उन सवालों के जवाब देने आ गई हूँ। एंड गाइस, अगर ये वीडियो वॉइस देख रहे हैं तो आप चाहें तो नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। गाइस, मैं आज आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आपने मुझसे कई बार पूछे हैं, आपको नहीं पता है, बहुत सी ऐसी बातें जो आप जानना चाहती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गर्ल्स, जो पहला सवाल है वो है ये कि पीरियड्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी वर्जिनल एरिया के थ्रू जो ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं पीरियड्स, आप इसको मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हैं। तो यही होता है पीरियड। एंड गाइस, दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है ये कि क्या ये कोई बीमारी है। तो नहीं गर्ल्स, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये आप यूँ मान लीजिए कि ये भगवान की देन है जो हर लड़की को मिली है, इससे ही आगे चल के आप माँ बनती हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही जान लेना काफ़ी है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी बड़ी बहन सबको होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, तो प्लीज़ आप इससे डरे ना। मैंने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जिनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको लगता है कि हाँ ये हमें क्या हो गया, ये तो हमें ब्लड आ रहा है, इसकी कोई दवा ली जाए, कैसे ठीक होगा, ये हमें कोई बीमारी हो गई, बहुत डर जाती हैं वो। तो प्लीज़ गाइस, आप डरे ना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3। तो गर्ल्स, जो तीसरा सवाल है वो मुझसे पूछा जाता है कि पीरियड आने की सही उम्र क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि पीरियड्स कब होते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि काफ़ी टाइम पहले जब उनकी जब वो छोटी थी तो 16-17 साल की उम्र में पीरियड होते थे, किसी को बहुत और ज़्यादा उम्र के बाद पीरियड होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, आई डोंट नो वाई, लेकिन अब 11 साल की लड़कियों को भी पीरियड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप 11 साल से ऊपर हैं तो आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप बहुत छोटी बच्ची हैं या फिर आप छोटी बच्ची की माँ हैं जो आप मेरी वीडियो देख रही हैं, तो अगर आपकी 11 साल से कम उम्र की बच्ची को पीरियड होना स्टार्ट हो जाते हैं तो प्लीज़ आप गायनी से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपकी उम्र 11 से 15 साल के बीच में है तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो गर्ल्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो मेरी एक ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की। सबसे पहले मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उसने मुझको इस काबिल समझा कि मेरे साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर की। तो थैंक यू सो मच। एंड गाइज, यहाँ पर मैं आपको उसका नेम नहीं बता सकती। तो एक्चुअली हुआ ये था कि अब से 4-5 महीने पहले मेरे पास एक कॉमेंट आया था, तो उन्होंने हमें बोला कि ना उनको उनकी उम्र 16+ है और उनको पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, और उसकी जो सिस्टर है उसकी एज है 14+, उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, और 16+ वाली जो सब्सक्राइबर है मेरी उसको पीरियड नहीं हो रहे थे। तो उसने मुझसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तो मैंने सिंपली से उसको बस एक कमेंट किया और मैंने उसको यही रिप्लाई दिया कि प्लीज़ आप गायनी के पास जाइए, अपनी मम्मा को बोलिए कि वो आपको गायनी के पास लेकर जाए और जो भी आपको गायनी ट्रीटमेंट देती है आप उसको फॉलो कीजिए। दैट्स इट गाइस, के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। फिर उसका भी 2-3 दिन पहले ही फिर से मुझे मैसेज आया था, उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, जो भी ट्रीटमेंट गायनी ने उसको दिया था वो सक्सेसफुल हो गया है और उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये स्टोरी बताने का मोटिव मेरा इतना ही है कि उसने मुझको ये बोला था कि उसने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी और सबने उसको कुछ ना कुछ बताया। किसी ने बताया कि आप अदरक के पानी को बॉईल करके पीजिए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और उसने ये सारी चीज़ें फॉलो की। गाइस, ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ वहाँ से उसका इलाज ढूंढने लग जाते हैं और इंटरनेट पर सबसे जल्दी बस हम टाइप करते हैं कि पीरियड नहीं हो रहे हैं, क्या करें, और कई सारी वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन आपको उसमें से एक सही वीडियो देखनी है। गाइस, यूट्यूब पे जितनी वीडियो रियल होती हैं उतनी ही फेक होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो मैं ये ऐसे बोल सकती हूँ, तो गर्ल्स ऐसा होता है। तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म चूज़ करना है,
वहाँ से आपको सही राय लेनी है, तभी आपको उसे फॉलो करना है। आपको अपनी हेल्थ के साथ अपने साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो जो चौथा सवाल है वो मुझसे पूछा जाता है, क्या पीरियड में सबको पेन होता है? तो ये गर्ल्स, पीरियड में सभी को पेन होता है। किसी को थोड़ा कम होता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है और किसी को बहुत ज़्यादा होता है। लाइक मी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। 2 दिन तक मैं उठ नहीं पाती हूँ बेड से। 2 दिन पूरे मेरे बेड पे ही जाते हैं, इतना पेन होता है मुझे। और मैंने इसका ट्रीटमेंट भी लिया लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मेरी गायनी ने मुझे एक टैबलेट दी है जिसको अगर मैं खा लेती हूँ तो मेरा पेन बंद हो जाता है। और पेट में दर्द होने के साथ साथ, पेट में नहीं मतलब पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होता है, और उसके साथ साथ आपको जो घुटने के नीचे वाले पैर होते हैं उनमें भी दर्द हो सकता है, क्योंकि मुझे होता है। और हर इंसान को ना अलग अलग, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को बैक पेन होने लगता है, किसी को सर में दर्द होने लगता है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, लेकिन पेट में दर्द मोस्टली हर लड़की को होता है। तो जो अगला सवाल पूछा गया है वो है ये कि पेन क्यों होता है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ, जब आपका यूट्रस होता है और जब आपको पीरियड होता है तो वो सिकुड़ जाता है, इसीलिए आपको पेन होता है। तो सो गाइस, जो नेक्स्ट सवाल है वो मेरी एक न्यूली मैरिड सब्सक्राइबर ने पूछा है। वो जानना चाहती हैं कि पीरियड के टाइम में इंटीमेट होने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं। हो सकता है मे बी आप प्रेग्नेंट हो जाएं, क्योंकि जब आप इंटीमेट होती हैं तो आपके पार्टनर का जो स्पर्म होता है वो आपके प्राइवेट पार्ट में, आपकी बजाना में 5 डेज तक रह सकता है। मे बी आपका एग रिलीज हो जाए उस टाइम पे और आप कंसीव कर जाएं। तो अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर रही हैं तो आप प्लीज़ प्रिकॉशन यूज़ कीजिए, अगर आप नहीं चाहती हैं कंसीव करना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो मुझसे पूछा गया है कि पीरियड कितने दिन तक होना चाहिए। तो मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर देती हूँ। मान लीजिए आपको हर महीने 2 से 3 दिन पीरियड हो रहा है, सेम हर महीने आपका साइकिल सेम ही है, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, तो ये नॉर्मल है। अगर आपको 1 महीना 7 से 8 दिन होता है और 1 महीना होता है आपको 2 से 3 दिन, तो ये एबनॉर्मल है, तो ये टेंशन वाली बात है। हो सकता है आप 2 सिस्टर्स हों और आपको होता हो 2 दिन और आपकी छोटी सिस्टर या बड़ी सिस्टर को होता हो 7 से 8 दिन, तो आप ये ना सोचें कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना दिन आपको पीरियड होता है, अगर हर महीने आपको सेम उतने ही दिन होता है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की, तो वो क्या है? तो वो है ये कि पीरियड में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। यस गाइस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि पीरियड में आप क्या क्या यूज़ कर सकती हैं। आपको पता तो होना ही चाहिए कि आप क्या यूज़ करते हैं, ये आपकी मर्जी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीरियड्स में आप क्या क्या यूज़ कर सकती हैं। गर्ल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पीरियड में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला और पुराना तो है कपड़ा। अगर आप सफाई से अच्छे से कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। उसके बाद आता है सैनिटरी पैड, जो काफ़ी सस्ता है और मोस्टली लड़कियां उसको ही यूज़ करती हैं हमारे यहाँ इंडिया में। और उसके बाद आता है टैम्पॉन। मैं टैम्पॉन के ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है और मैं बोलूँगी पैड से बहुत 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 अच्छा है। आपको टैम्पॉन ही यूज़ करना चाहिए। और टैम्पॉन के बाद आता है मेंस्ट्रुअल कप। जिस लड़की ने लाइफ में मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर लिया, वो उसके बाद कुछ भी यूज़ नहीं करेगी। आप में से अगर कोई ऐसी हो जो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हो, तो प्लीज़ आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि मेंस्ट्रुअल कप कितना बेस्ट रहता है। मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कम्फर्टेबल होता है। आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के बाद भूल जाते हैं कि आपको पीरियड्स आए हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहती हैं तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और आप क्लोथ पैंटी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्लोथ पैड भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा आता था, जिसको लेकर मैं बहुत परेशान रहती थी, और मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होंगी। ये देखिए गाइस, गर्मी में मैं वीडियो बना रही हूँ, फ़ैन ऑफ कर दिया है तो मुझे यहाँ पे पसीना आ गया है। तो हम बात कर रहे थे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सवाल मेरे मन में सबसे ज़्यादा आता था, क्या लाइफ टाइम पीरियड होते हैं जब आप बुढ़े हो जाते हैं? जब भी आपको पीरियड होते हैं, मैं बचपन में बहुत सोचती थी,
मतलब जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुई थी, जब मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैं बहुत सोचती थी कि जब मेरी दादी जितनी बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी मुझे पीरियड हुआ करेंगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो ऐसा नहीं है गर्ल्स, हो सकता है बहुत सी लड़कियों को पता हो, बहुत सी लड़कियों को नहीं भी पता होगा, मुझे नहीं पता था, तो इसीलिए मैंने इस वाले सवाल को इसमें इंक्लूड किया है। तो मुझे लगता था कि लाइफ टाइम पीरियड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको 40-45 की उम्र के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और हर लड़की के साथ ऐसा होता है। तो गाइस, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलने वाली हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड हाँ गाइस, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अगर आप किसी और सवाल का जवाब जानना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं आपसे एक